क्लास में हम लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं, प्रारंभ करना चाह रहे हैं कूलाम का नियम डिस्कस करना चाहेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा कूलाम साहब ने क्या बात बताई। कूलाम ने कहा कि जो भी कण होंगे बहुत ही छोटे कण होना चाहिए और उनके ऊपर जो आवेश होना चाहिए वो बिंदु आवेश बहुत कम होना चाहिए, पॉइंट चार्ज उसकी वैल्यू बहुत कम होना चाहिए। तो अगर कोई दो बिंदु आवेश कुछ दूरी पर उपस्थित हैं, मतलब लेट अस कंसीडर एक हम बिंदु आवेश माइनस क्यू वन ले लेते हैं और दूसरा क्यू टू ले लेते हैं, और इनके बीच की दूरी हम क्या ले लेते हैं, आर ले लेते हैं, ये आर ले लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि कूलाम का नियम तभी वैध है, वैलिड है, जब Q1 व Q2 दोनों ही पॉइंट चार्ज हो, यानी बहुत छोटे पार्टिकल्स हो और उनके ऊपर आवेश अति सूक्ष्म, तभी ये नियम लागू होगा, अन्यथा नियम लागू नहीं होगा, पहली शर्त। और बीच की दूरी वो भी बहुत कमी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि दूरी हम बहुत ज्यादा बढ़ा दें तब हम कूलाम का नियम लगा लें। तो कूलाम साहब ये कहते हैं कि यदि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की कुछ दूरी है, कोई दो बिंदु आवेशों के बीच की कुछ दूरी है तो उनके मध्य सदैव एक स्थिर वैद्युत बल कार्य करेगा। बहुत सिंपल सी बात उन्होंने बोली कि जब भी कोई दो आवेशित कण परस्पर कुछ दूरी पर रखे हैं तो उनके मध्य सदैव एक स्थिर वैद्युत बल कार्य करेगा। बात समझ आई कि नहीं? यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि यहां पर इसके अपने मास भी होंगे m1 और यहां पर क्या होगा m2। देखिए मैं थोड़ा सा पहले आपको कक्षा 11 से कोरिलेट करा देता हूं, कूलाम का नियम मतलब यहां m का संबंध कक्षा 11 में जो आप द्रव्यमान पढ़ते रहे हैं, अब कक्षा 12 में इसके प्रोपोर्शनैलिटी में आवेश आएगा, यह आप ध्यान रखिएगा। m के पैरेललिज्म में क्या आएगा, आवेश आएगा, द्रव्यमान के पैरेललिज्म में आवेश आएगा। कूलाम के नियम में विस्तार पूर्वक जाने से पहले थोड़ी सी हम चर्चा करना चाहेंगे, किन्हीं ब्रह्मांड में अगर कोई दो कण उपस्थित हैं, इससे पहले कक्षा 11 में आपने गुरुत्वाकर्षण का एक चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें कहा जाता है कि अगर इस ब्रह्मांड में कोई भी दो कण उपस्थित होंगे तो उनके मध्य सदैव एक गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, यानी एफ कार्य करेगा, और इस गुरुत्वाकर्षण बल का मान एफ का मान दोनों कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होता है। पहली बात यह कही जा रही है कि यह गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या है, दोनों कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा दूसरी बात यह कही जा रही है कि बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती को समझना चाहेंगे कि अनुक्रमानुपाती क्या है। देखिएगा मतलब यहां पर एक लेफ्ट साइड में F लिखा है और राइट साइड में क्या लिखा है, दाईं ओर लिखा है M1 M2। अगर हम मान लो इसमें किसी एक का मान बढ़ा देंगे तो इसका मतलब फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बल का मान बढ़ जाएगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर ये मान लेते हैं M1 कितना था, 2 किलोग्राम, और ये इधर कितना है, 3 किलोग्राम। थोड़ा सा स्लाइटली अगर हम 2 किलोग्राम की जगह 3 किलोग्राम कर लेते हैं और इधर 3 किलोग्राम, बताओ कितना हो गया, पहले था 6 किलोग्राम और अब कितना हो गया, 3×3=9 किलोग्राम स्क्वायर, ये हो जाएगा। मतलब ये समझ में आया होगा कि आंतरिक मान का मान बढ़ जाता है अगर इधर हम वैल्यू किसी एक की भी बढ़ा देंगे, चाहे M1 की बढ़ा दें या M2 की बढ़ा दें। लेट अस कंसीडर अब हम M2 की बढ़ा करके देखना चाह रहे हैं, मान लो ये 2 किलोग्राम है और ये कितना है, 4 किलोग्राम है, तो कितना हो जाएगा, 8 किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा। मतलब क्या है, पहले से ही बढ़ रहा है, ये पहले से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सो दोनों स्टेजेस में क्या हो रहा है,
द्रव्यमान का गुणनफल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब इसीलिए हम एरो यहां पर क्या लगा रहे हैं, ये बढ़ने का एरो लगा रहे हैं। और इसके करस्पॉन्डिंग ये जो स्थिर वैद्युत वो गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, समानुपाती का अर्थ ऐसे समझ सकते हैं कि जो अंश में लिखा होगा अंश का मान अगर बढ़ा दें तो इधर भी अंश के मान का मान बढ़ेगा। अब यहां पर जरा देखिएगा व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ क्या है, यहां पर इधर क्या लिखा है, हर में, हर में आर स्क्वायर लिखा है और अंश में क्या लिखा है, एफ लिखा है। और मैं अगर इधर पूछना चाहे हर में कितना लिखा है तो क्या माना जाएगा, एक माना जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हर का मान दाएं पक्ष में बढ़ाने पर बल का मान क्या होगा, घटेगा। और इसी प्रकार यहां पर व्युत्क्रमानुपाती में उल्टे चिन्ह आते हैं, एक क्या ऊपर की तरफ और एक क्या नीचे की तरफ। शायद हमें लगता है ये बात आपको समझ में आई है। यहां पर कहने का तात्पर्य यह है कि अगर इन दोनों कणों के को पास पास लाते हैं, इन दोनों कणों को क्या लाते हैं, पास पास लाते हैं, तो स्थिर वैद्युत बल का मान क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर दोनों को दूर दूर ले जाते हैं तो स्थिर वैद्युत बल हो चाहे गुरुत्वाकर्षण बल हो, इन दोनों को दोनों के मान में कमी आ जाती है। कहने का तात्पर्य ये, तो व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ समझ में आया होगा। तो यहाँ पर एरो दोनों प्रकार का लगेगा, चाहे ऊपर करेंगे तो ये नीचे हो जाएगा और अगर इसको नीचे करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तो इसका अर्थ आप समझिएगा, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम द्रव्यमान किसी एक का बढ़ा दें या दोनों का बढ़ा दें तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा, बढ़ेगा। और यहाँ पर अगर दूरी हम बढ़ा देते हैं तो इसका उल्टा इफेक्ट पड़ेगा, यानी बल का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर हम दूरी कम कर दें तो बल का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसके दो निष्कर्ष निकलते हैं, ये आठवीं कक्षा 11 में पढ़ा था। अब इन दोनों को मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, F बराबर G M1 M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, अगर दोनों को मिला दें, दोनों निष्कर्षों को मिला दें तो F समानुपाती क्या हो जाएगा, M1 M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। और जब समानुपाती नेता घटाते हैं तो क्या आ जाता है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक आता है M1 M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर की बात होती है। ए बराबर जी, ये तो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, ठीक। यहां पर जरा देखिएगा गुरुत्वाकर्षण बल के लिए स्टार्ट जी, गुरुत्वाकर्षण बल के लिए फार्मूला जो आया F बराबर क्या आया, जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर आएगा। तो ये तो हमने कक्षा 11 और कक्षा 9 में पढ़ा था, कक्षा 9 में भी पढ़ा और कक्षा 11 में भी पढ़ा डिटेल से। लेकिन इसी तरीके से हम कूलॉम्ब का नियम इसी के सिमिलर पढ़ना चाहते हैं कि कूलॉम्ब का नियम क्या कह रहा, और ये नियम जो गुरुत्वाकर्षण का नियम था ये न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो F बराबर क्या था, जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो यहां ये पहले कब लागू था ये आपको बता दें कि कोई भी दो वस्तुएं हैं जिन जिनके द्रव्यमान क्रमशः M1 M2 और परस्पर कुछ दूरी पर उपस्थित है, लेकिन इस बार कूलॉम्ब के नियम में क्या कहा जा रहा कि कोई भी दो आवेशित वस्तुएं हैं, कोई भी दो आवेशित वस्तुएं यदि r दूरी पर हों और उन पर उपस्थित आवेश क्या है, q1 q2 हो, क्या हो, उन पर उपस्थित आवेश q1 बा q2 हो, तो उनके भी मध्य क्या लगेगा, कूलॉम्ब क्या कहता है, एक स्थिर वैद्युत बल कार्य करेगा। और अपने पूरे कई सालों के रिसर्च के बाद, विश्लेषण के बाद दो बातें निकल के सामने आती हैं कि स्थिर वैद्युत बल का मान समानुपाती होगा किसके, जैसे यहां पर था M1 M2 के, तो यहां पर क्या होगा Q1 Q2 के, और इसी प्रकार यहां पर क्या होगा, F व्युत्क्रमानुपाती होगा दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सो कुल मिलाकर आपको बात समझ में आ गई होगी कि इन दोनों आवेशित बिंदुओं के मध्य कार्य करने वाला स्थिर वैद्युत बल का मान क्या होगा, दोनों आवेशित जो चार्ज हैं मतलब यहां पर Q1 और Q2 इनके परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। देखिए यहां पर मैं बात शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं परिमाण, यानी इसका मतलब अगर यहां पर माइनस है तो माइनस से कोई भी मतलब मेरा नहीं होगा। तो यहां पर इसलिए हमने यहां पर क्या इस्तेमाल किया, मॉड इस्तेमाल किया है, मॉडुलस ऑफ माइनस Q1 एंड मॉडुलस ऑफ Q2, यानी F समानुपाती क्या होगा, मॉडुलस ऑफ माइनस Q1 मॉडुलस ऑफ Q2 होगा।
और दूसरा इन्होंने जो निष्कर्ष निकाला कि ये जो स्थिर वैद्युत बल है ये क्या होगा, इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी F व्युत्क्रमानुपाती / R स्क्वायर ये होगा। तो यहां पे आप जरा देखिएगा, अगर हम Q1 Q2 में से कोई एक वैल्यू को बढ़ा दें तो क्या होगा, स्थिर वैद्युत बल का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और दोनों में से कोई एक चीज बढ़ा दें, मतलब अगर बीच की दूरी हमने बढ़ा दी तो स्थिर वैद्युत बल का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यहां पर अगर देखिए इसको कम कर देते हैं तो स्थिर वैद्युत बल का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहां पर पूरे फिजिक्स में मैं आपको बताना चाहूंगा सारे स्टूडेंट्स को, पूरी फिजिक्स में हमारी एरो सिस्टम चलेगा, कोई चीज एक चीज बढ़ रही होगी तो दूसरी चीज के ऊपर क्या असर पड़ेगा, बढ़ेगा या घटेगा। अगर आपने एरो डायग्राम सिस्टम आपने समझ लिया तो ये समझ लीजिए कि लगभग 33% फिजिक्स आपको समझ में आ गई। तो ये बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, एरो कॉन्सेप्ट जो हम आपको दे रहे हैं कि अगर एक चीज इधर बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी क्या होगी, इधर बढ़ेगी। अगर अंश अंश का मामला आता है, यानी न्यूमरेटर न्यूमरेटर का मामला आता है, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का मामला आता है तो एक चीज अगर बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज क्या होगी, घटेगी। और अगर इधर इधर वाली घटाएंगे तो इधर वाली चीज क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये बात आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि स्थिर वैद्युत बल का मान गुलाम साहब ने अपने पूरे प्रयोग में एक्सपेरिमेंट में दो तथ्य सामने उजागर किए। पहला तथ्य ये दिया, पहला पॉइंट ये दिया कि स्थिर वैद्युत बल का मान दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होगा, परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तथा दूसरा स्टेटमेंट इन्होंने बोला कि इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहां पर आप समझिएगा जैसा मैं इशारा कर रहा हूं, इधर देखिएगा Q1 और T2 का अगर मैं इसको और पास पास लाऊं, बताओ आप लोग बताइए स्थिर वैद्युत बल का मान बढ़ेगा या घटेगा, बताओ पास पास लाने पर। तो इसका मतलब निष्कर्ष ये निकला, जैसे हम पास पास लाते हैं तो स्थिर वैद्युत बल का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जैसे हम इसको दूर दूर ले जाते हैं तो स्थिर वैद्युत बल का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती का नियम। अगर मान लो Q1 Q2 में दोनों में अगर एक का परिमाण अगर हम बढ़ा दें, चाहे Q1 बढ़ा दें या Q2 बढ़ा दें, तो बल F का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा, स्थिर वैद्युत बल का मान बढ़ जाएगा। या दोनों को बढ़ा दें तब भी स्थिर वैद्युत बल का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इससे बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस आपके उत्तर प्रदेश बोर्ड लेवल के आधार पर, मतलब उसके लेवल से बहुत से निकल जाएंगे। तो ये बात आपको समझ में अच्छे से आनी चाहिए। अब इन्हीं दोनों तथ्यों को, ये जो तथ्य नंबर एक है और ये तथ्य नंबर दो है, फैक्टर नंबर वन फैक्टर नंबर टू, अगर हम दोनों फैक्टरों को आपस में मिला दें यानी तो आ जाएगा रिजल्ट्स F समानुपाती क्या हो जाएगा, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर आ जाएगा। ये आपको समझ माना चाहिए। देखिए बिल्कुल सिमिलर, जैसे यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल था उसी प्रकार यहां पर क्या था, स्थिर वैद्युत बल, बस मास की जगह क्या हो गया, आवेश हो गया Q1 और Q2। तो यहां पर हम इसीलिए कहना चाह रहे हैं कि यहां पर एनालॉगस सिस्टम फॉलो होगा। एनालॉगस सिस्टम का मतलब क्या होगा कि जब फर्स्ट ईयर की क्लास में जहां पर द्रव्यमान का रोल था, अब इंटरमीडिएट की क्लास में वही रोल क्या होगा, आवेश का हो जाएगा। इसलिए आपस में दोनों में कुछ ना कुछ क्या है, इंटर रिलेशन है, यानी आंतरिक संबंध है। एम यानी द्रव्यमान और आवेश में आपस में क्या है, एक दूसरे से संबंध है। अब जरा देखिए संबंध क्या है, देखिएगा अगर कोई वस्तु, मान लो सपोर्ट कोई वस्तु ये स्थिर अवस्था में है, यानी इसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो, या स्पीड इसकी जीरो, तो इसका जो द्रव्यमान क्या है, नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। लेकिन जब कोई वस्तु गतिमान अवस्था में हो जाती है, यानी उसके पास वेलोसिटी या स्पीड होगी, तो इसका मतलब कंफर्म हो जाएगा कि इसका मास वेरिएबल होगा, यानी परिवर्ती होगा, घटता बढ़ता रहेगा। आप कहेंगे सर कैसे ये हो गया, हाउ इज इट पॉसिबल, हम यहां पर बताएंगे आपको। m बराबर एक फार्मूला होता है m नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। इस सूत्र से आप जाएंगे, आप देखिएगा यहां पर b क्या है, जिस वस्तु का द्रव्यमान m है उसकी चाल, अगर ये चाल घटेगी बढ़ेगी तो उसी के अनुरूप क्या होगा, उस वस्तु के द्रव्यमान का मान घटेगा बढ़ेगा, यानी ये डिस्टर्ब होगा तो ये भी क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। कुल मिला के ये संबंध था, तो ये आपस में संबंध है। देखिएगा m नॉट यहां पर ब्राम द्रव्यमान कहलाता और ये वाला द्रव्यमान कहलाता गतिक द्रव्यमान कहलाता।
तो इसलिए मैं आपको बताना ये चाहूंगा कि द्रव्यमान वस्तु वस्तु की स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। वस्तु की स्थिति क्या है, यदि वो विराम अवस्था में है तो इसका मतलब उसका द्रव्यमान नियत रहेगा, अगर वो गतिमान अवस्था में तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, परिवर्तित होता जाएगा। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें आवेश की, तो चाहे वस्तु स्थिर अवस्था में हो चाहे वस्तु गतिमान अवस्था में हो, आवेश के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस बात को आप समझ लीजिएगा। यही दोनों में क्रिटिकल डिफरेंस है और इसीलिए इसी बात को आपको समझना है इंटरमीडिएट क्लास में, यह आपको दिखाई नहीं देगा। इसलिए मैंने शुरू पहले वाले लेक्चर्स में ये कह दिया था कि फर्स्ट ईयर में बहुत सी बातें आपको दिखाई देंगी लेकिन इंटरमीडिएट में बहुत सी बातें आपको दिखाई नहीं देंगी। शायद हमें लगता है ये बात आपको समझ में आई। आप जरा देखिए, आप लोग जब कोई दो कण आर दूरी पर उपस्थित हैं तो कूलाम ने यह कह दिया कि इनके मध्य एक स्थिर वैद्युत बल कार्य करेगा, यानी यहां पर एक ऋण आवेश और इस कण पर धन आवेश उपस्थित है, इनके मध्य क्या एक स्थिर वैद्युत बल एफ कार्य करेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि ये स्थिर वैद्युत बल, ये तो आप सोचने वाली बात है, ये स्थिर वैद्युत बल किस प्रकार की राशि है, इस पर जरा गौर करिएगा। तो जवाब आपको मिलेगा फर्स्ट ईयर के नॉलेज से, क्या राशि है, कौन सी राशि है, सदिश राशि। तो इसका मतलब सदिश राशि आप जानते होंगे अच्छे से फर्स्ट ईयर के नॉलेज से। सदिश राशि में दो चीजें होती है, एक क्या होता है परिमाण और एक क्या होता है दिशा। तो परिमाण और दिशा ये दोनों चीजें हैं, इसको आप समझिए बहुत अच्छे से। जब हम परिमाण की बात करें और दिशा की बात ना करें तो इसका मतलब इस राशि की अधूरी बात है। तो इसलिए मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट इशू बन जाता है कि भाई चलो हम परिमाण को अलग से पढ़ेंगे और दिशा को और परिमाण को एक साथ अलग सेशन में पढ़ेंगे। इसलिए हमारे ये लेक्चर जो कूलाम का नियम टॉपिक है, हम इसको दो पार्ट्स में कवर करेंगे। पार्ट वन में हम परिमाण के ऊपर चर्चा करेंगे और पार्ट सेकंड में परिमाण प्लस दिशा दोनों की चर्चा करेंगे। तो इसलिए यहां पर बड़ा ध्यान देने वाली बात है, बाज लोग क्या है परिमाण को ज्यादा ले लिया इंटरेस्टेड और दिशा भूल गए और सवाल किस पर आ गया, दिशा के ऊपर आ गया। इसलिए अगर बिना पार्ट वन को क्लियर किए बगैर, बिना पार्ट वन पार्ट टू को क्लियर कूलाम के नियम को नहीं समझा जा सकता। इसलिए ये अनिवार्य हो गया, कंपल्सरी हो गया कि आप जब हमारा वीडियो पार्ट वन देखें तो वीडियो पार्ट टू अवश्य देखें, क्योंकि वीडियो पार्ट वन क्या होगा वो अधजल गगनी छलकत जाए वाला कॉन्सेप्ट होगा, ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। क्लियर हुआ? तो इसलिए हम आप लोग सारे स्टूडेंट से ये कहना चाह रहे हैं पार्ट वन और पार्ट टू का डिटेल स्टडी करें। तो आप यहाँ पे जरा देखिएगा, कुल मिला के बात ये समझ में आई कि यहाँ पर जब स्थिर वैद्युत बल कार्य करेगा तो Q1 भैया पूछेगा कि मेरे ऊपर कितना बल कार्य करेगा और Q2 पूछेगा मेरे ऊपर कितना बल कार्य करेगा। तो Q1 Q2 के ऊपर एक बल लगाएगा, Q2 Q1 के ऊपर एक बल लगाएगा। कुल मिला के ये समझ में आया, Q1 जब Q2 के ऊपर बल लगाएगा तो इसे हम नाम देंगे F12 नाम देंगे। क्या नाम देंगे? F12। और जब Q2 यानी ये पार्टिकल इस पर जब बल लगाएगा तो इसको नाम देंगे F21। क्या नाम देंगे? F21। या इसमें थोड़ा सा करेक्शन करिएगा क्योंकि 2 पे लग रहा है तो 2 पहले आ जाएगा और किसके द्वारा लग रहा है, 1 के द्वारा लग रहा है। तो Q1 के द्वारा Q2 पर आरोपित बल क्या होगा? F21 होगा। और यहां पर ये Q2 द्वारा Q1 पर आरोपित बल क्या होगा? F12 होगा। सो कुल मिला के समझ आया होगा कि जब कोई दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 और Q2 कहीं पर उपस्थित होंगे तो उनके मध्य दो बल कार्य करेंगे, एक F12 और दूसरा क्या F21। खास बात यह होगी F12 और F21 इन दोनों बलों के परिमाण परस्पर आपस में बराबर होंगे, परिमाण में बराबर होंगे लेकिन दिशाओं में क्या होंगे, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होंगे, विपरीत होंगे। यानी F21 का डायरेक्शन आपको दिख रहा होगा इधर की तरफ, राइट साइड दिख रहा होगा, F12 का डायरेक्शन इधर दिख रहा होगा, इधर दिख रहा होगा। इसलिए मैं यहां पर बात कहना चाहूंगा F12 इज इन द टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू F। इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा था और इसीलिए ये पार्ट मैं पार्ट में इसको डिस्कस करना चाह रहा हूं, पार्ट वन और पार्ट टू। फिलहाल हम अभी परिमाण के ऊपर ही अपनी बात को जारी रखना चाहूंगा, जरा इसको आगे समझिएगा फर्दर।
लीजिए, जब मैंने ये कह दिया कि F12 और F21, जब हम वेक्टर नहीं लगाते हैं तो इसका मतलब परिमाण माना जाएगा। ये F क्या हो जाएगा, समानुपातिक क्या होगा, अभी अभी मैंने बात कर ली थी, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R2। मॉडुलस के अंदर जब माइनस साइन था वो खत्म हो गया, तो आप जरा देखिए समानुपातिक जब चिन्ह हटाएंगे तो यहां पर एक क्या आएगा, एक कॉन्स्टेंट आएगा, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R2, ये फॉर्मूला होगा। आपको मालूम होना चाहिए K क्या है, समानुपाती नियतांक, समानुपाती नियतांक क्या है, समानुपाती नियतांक, बात समझ आ रही, K क्या है, समानुपाती नियतांक। यहां पर एक बात बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, K क्या है, समानुपाती नियतांक, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। बहुत से लोग यहां पर कंफ्यूज होते हैं, वो ये समझते हैं K को बैद्युत स्थिरांक समझने लगते हैं, वो आगे आएगा, उसकी बात मैं अभी करूंगा। यहां पर जरा देखिए K की जगह पर यहां पर एक वैल्यू गुलाम साहब ने जो दी है, K की वैल्यू जो दी है 1/4πε दी है, क्या दी है, 4πε दी है। जरा देखिए ये वैल्यू कहां से आ जाती है, इसके बारे में थोड़ा सोच लेते हैं। जरा देखिएगा, आपने कक्षा हाई स्कूल में आपने सीखा होगा कि जब कोई धन आवेश होता है तो वैद्युत बल रेखा उससे क्या होती, निकलती है, ये वैद्युत बल रेखा निकलती। अच्छा तुम्हें मालूम होगा ये वैद्युत बल रेखाएं किसी मीडियम में होंगी, ये कोई मीडियम होगा, तो यहां पे मान लो हमने मीडियम लगा दिया, कभी वायु होगा, कभी जल होगा, कभी कांच होगा, इस टाइप का कोई माध्यम होगा, या कपड़ा होगा, कुछ भी, कॉटन भी हो सकता है। तो आप ये जरा देखिएगा, इन वैद्युत बल रेखाओं को अवशोषित माध्यम करेगा, ये जो वैद्युत बल रेखा है इनको कौन करेगा, अवशोषित करेगा, माध्यम अवशोषित करेगा, तो इसका मतलब यहां पर क्या बन जाएगा, एक गोला बनेगा, क्या बनेगा, एक गोला कंसीडर हम लोग कर लेंगे। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr² होता है, क्या होता है, 4πr² होता है। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि 4πr² संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² के द्वारा कितनी वैद्युत बल रेखाएं अवशोषित हो रही, और एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा कितनी अवशोषित होंगी, तो इसलिए यहां पर क्या आएगा, 1/4πr² आएगा, ये आप समझिएगा क्या आ जाएगा, 4πr² ये आ जाएगा, 4πr² यानी एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा कितनी ये जो वैद्युत बल रेखाएं हैं कितनी अवशोषित होंगी, तो ये आएगा 1/4πr². तो यहां पर जरा देखिएगा, और अलग अलग माध्यम चेंज हो रहा है, कभी वायु हो रहा है, कभी जल हो रहा है, कभी कांच हो रहा है, इस तरीके से बार बार बदलने के कारण यहां पर उसको एक पैरामीटर नया ले लेंगे, एप्सिलॉन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, एप्सिलॉन, जिसे हम बोलेंगे माध्यम की वैद्युतशीलता बोलेंगे, क्या बोलेंगे, माध्यम की वैद्युतशीलता बोलेंगे। ये बोलेंगे माध्यम की वैद्युतशीलता, तो आप समझ में आ गया होगा कि ये कहां से आया, और इसलिए अब K के स्थान पर हम क्या लगा देंगे, K के स्थान पर हम लगाएंगे 1/4πε, क्या लगा देंगे, 4πε लगा देंगे। जरा देखिए क्या हो जाएगा, तो F बराबर क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R2, F बराबर 1/4πε Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R2, F बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε, इसको हम लिख सकते हैं 4πε0 इंटू K, स्मॉल K इसमें आ जाएगा, और Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R2 आ जाएगा। ये ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, हर माध्यम के लिए चाहे वो किसी भी प्रकार का माध्यम है उसमें ये वैल्यू हमेशा हर माध्यम के लिए आती ही है, बस बदलता क्या है, ये K की वैल्यू बदलती रहती है, इसलिए ये सभी माध्यम के लिए कॉमन डेटा है, और इसलिए कॉमन डेटा की वजह से इसको हमने क्या कह दिया, निर्वात की वैद्युतशीलता कह दिया, क्या कह दिया, निर्वात की वैद्युतशीलता कह दिया। और इसका मान एप्सिलॉन इज इक्वल टू 8.85 10^-12 न्यूटन, सॉरी
कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर इसका डेटा होगा। तो निर्वात एक तो यहां से क्वेश्चन क्लियर हो गया कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा, कूलाम स्क्वायर न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर होगा। वो कैसे सोच सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट का इसमें गुणा करेंगे तो एफ कहां आएगा, नीचे, और क्यू वन क्यू टू का मात्रक क्या होगा, कूलाम स्क्वायर, और नीचे क्या रहेगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होगा। तो शायद हमें लगता है बात आपको समझ में आ गई होगी। और इस के की वैल्यू वायु या निर्वात के लिए 1 अप्रोक्सीमेट होती है, तो ये याद रखिए। तो फॉर्मूला आपका बन जाएगा f बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो ये हमने कूलाम का नियम आज इस रूप में सीख लिया कि फॉर्मूला होगा f बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। लेकिन सदिश रूप में फार्मूला अभी हमारा क्लियर नहीं हो रहा, तो इसलिए आगे की क्लास में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि वेक्टर फॉर्म में कूलाम्स का फार्मूला क्या होगा। तो अब बात हुई है वो आपको समझ में आई होगी, समझ में आई कि नहीं आप बता दीजिए। आई होप दैट कि जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दिए गए हैं वो आपको समझ में आए। अगर मान लो कोई आपका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, कहीं पे कोई डाउट है, तो आप हमको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं कि सर हमको ये समस्या है। तो शायद हम कोशिश करेंगे कि बाकियों के ऊपर हम अपनी जो जो हमसे कॉन्सेप्ट रह जाएगा उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे।